आप एक नई भाषा कब इस्तेमाल करेंगे? जैसे आप अपने कंफर्ट लेवल या मदर टंग, या आप हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, मारवाड़ी में बोलते हैं तो वैसा आप बात करेंगे क्या? हाँ, मैं कल वहाँ पे गया था, मुझे वो मिला नहीं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एनीवे मैं अगले हफ्ते यहाँ पे आ जाऊँगा, तब मैं मिलूँगा उससे. एंड आई वेंट देयर यस्टरडे, आई वाजंट एबल टू फाइंड हिम, सो आई डिसाइडेड दैट एनीवे नेक्स्ट टाइम आई विल कम हियर नेक्स्ट वीक, आई विल मीट हिम देन. ऐसा आप बात नहीं करेंगे. एक नई भाषा में हमेशा आप किसी से कोई सवाल करने के लिए, नहीं तो पूछा गया सवाल का उत्तर देने के लिए आप उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, करेक्ट? तो मतलब यह है कि अगर आप उत्तर देने में या अच्छी तरह से क्वेश्चंस पूछने में माहिर होंगे, तो इसका मतलब है कि लोगों को लगेगा कि आप एक्सपर्ट है उस भाषा में, इंग्लिश में आप एक्सपर्ट है, अरे ये आराम से बात कर रहे हैं. अगर आप मुझसे बोलेंगे, आई एम न्यू टू बैंगलोर, आई हैव कम हियर टू बैंगलोर टू अटेंड एन इंटरव्यू, एक्सक्यूज मी सर, कैन यू प्लीज टेल मी विल दिस बस गो टू मैजेस्टिक, तो मैं बस का नंबर देखूंगा और आपको देखूंगा और बोलूंगा यस प्लीज गो. तो आप बोलेंगे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. जब आप वापस शहर जाएंगे तो आप बोलेंगे मैं बैंगलोर गया था इंटरव्यू के लिए, वहां पे मैं एक जगह अटक गया था, मगर वहां पे मुझे कोई मिला और उसने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया कि इस बस से जाओ, तो आप जरूर अपना इंटरव्यू का जो जगह है वहां आप पहुंचेंगे जल्दी, इसीलिए मैं इंटरव्यू पास किया. मजा तो यह है कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ टू वर्ड्स कहा, यस प्लीज गो, यस प्लीज गो, थ्री वर्ड्स. मगर आप सोच रहे हैं कि मैं वहां पे खड़े होके आपको अच्छी तरह से एलैबोरेटली बताया कि जाइए आप उस बस में, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कम बोलेंगे और आप सही बोलेंगे तो आप बेहतर बोलेंगे और सबको लगेगा कि आप परफेक्ट बोल रहे हैं. तो आइए, आज का जो क्लास है वो है WH फॉर्मेट, नॉन WH फॉर्मेट. इसे हम दो तीन एपिसोड में सीखेंगे. पहली बात तो यह है कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, इनको हम कहते हैं फाइव सिस्टर्स. What, when, why, where, who, और ये five sisters बहुत ही महत्वपूर्ण है. देखिए, अगर कोई भी काम है, कोई भी घटना हुई, तो आपको सिर्फ ये जानना चाहिए what, when, why, where, who. आप घर जाएंगे काम के बाद और वहां पे आपको एक invitation card दिखाई देगा, तो आप पूछेंगे what, when, why, where, who, क्या है वो, क्या है invitation, किसकी शादी है, कहां पे है, किसके साथ, तो आपको उत्तर मिल जाएगा. देखिए, अगर आप कन्वर्सेशन में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, फाइव सिस्टर्स का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपके सीनियर मैनेजर ने एक दिन आपको बुलाया और उन्होंने कहा कि कुछ काम है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना चाहिए कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु. अगर आप इतना जान जाएंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका काम जो है वो परफेक्टली कंडक्ट होगा. तो जब भी आप कोई भी विषय पे बात करें, अरे एक्सीडेंट हो गया वहां पे, क्या हुआ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, दैट्स ऑल. समझ में आ गया आपको? एवरीथिंग इन लाइफ डिपेंड्स ऑन व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु. अगर आप एक एक्सपर्ट कम्युनिकेटर बनना चाहेंगे तो आपको सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु. नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए. प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.